माई मेजिकल फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माई चैनल। 21 डेज की क्लासेस का बैच फिर से 5th ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सेल्फ हीलिंग, इनर हीलिंग, मनी हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग होगी। जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना है, प्लीज़ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। आपको 2 मेंटर्स से सीखने का मौका मिलेगा। सो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवानी है, प्लीज़ कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया गया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। सो जो आज की सक्सेस स्टोरी है वो हमारे ही एक सब्सक्राइबर की सक्सेस स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो दी, कैसे हो? OMG दी, मैजिक हो गया, मैसेज आ गया दी, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको, आपको तो सब पता है, बट फिर भी सक्सेस स्टोरी के थ्रू सबको बताना है मुझे। न्यू ईयर 2024 की स्टार्टिंग में हमारा ब्रेकअप हो गया था। फाइट्स तो नॉर्मल होती रहती थी, बट आगे बहुत ज़्यादा फाइट स्टार्ट हो गई थी। उनका नेचर बहुत गुस्से वाला होता जा रहा था, वो सुनते कुछ भी नहीं थे, बस गुस्से में गलत गलत गालियाँ देते थे, गलत गलत बोलते थे, जो मुझे पसंद नहीं था। अगर मैं बोलती उनको तो वो मुझे बोलते, जब मैं उनको बोलती कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, तो आगे से बोलते ब्रेकअप कर ले, मैं भी नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। ऐसे रोज़ का कौन तुम्हें सुनेगा। मैं ये सब सुन के टूट चुकी थी, बहुत हर्ट हुई, फिर खुद को संभाला, टाइम लगा दी बट संभाल लिया। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से, नो कांटेक्ट में पूरी तरह से आ गए। खुद को ब्लॉक देखकर मैं रोती रोती रहती थी दी कि ऐसे कैसे हो गया। मैंने टेक्निक्स की थी वीडियोस देखकर, बट रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था और लग रहा था ऐसा कैसे हो रहा है, सबको तो रिज़ल्ट मिल रहे हैं बट मुझे क्यों नहीं मिल रहे। फिर लास्ट मंथ आपसे बात हुई, आपने बोला कॉल बुक कर लो, बट फिर भी डरते डरते पूछा आपसे और कि फिर भी डरते डरते पूछा आपसे कि चार्जेस क्या हैं, क्योंकि चार्जेस बहुत हाई होते हैं और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर जब आपने बताया तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि सबसे कम प्राइस था। बहुत हाई रेट पहले मैंने बहुत लोगों से सुने हैं। फिर आपने बोला कि सब छोड़ दो, पार्टनर को भी छोड़ दो, 2 मंथ के लिए खुद को पकड़ लो। आपने सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग का बोला एंड एक अफर्मेशन दी जो मुझे मॉर्निंग बोलनी होती थी। मैंने सब स्टार्ट किया दी, पर फिर भी ऐसा लग रहा था इससे पार्टनर को कैसे कांटेक्ट होगा, फिर भी किया। डाउट्स आ रहे थे कि इस प्रैक्टिस से पार्टनर कैसे आएगा, बट फिर भी एक साइड में करती रही। आई एम शॉक्ड, जब 3 दिन पहले SP ने अनब्लॉक किया मुझे और मैसेज किया, फर्स्ट मैसेज था मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अनबिलीवेबल। फिर उनकी कॉल पे कॉल आई और सॉरी फील कर रहे थे और बोला क्या तुमने मेरे पे काला जादू करवाया है। मैं हंसी और बोली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब बोले मैं पागल हो रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, और मेरे सामने वो सब पुरानी यादें आ रही थी जो टाइम हमने स्पेंड करा। अब नहीं छोड़ूंगा कभी भी, हमेशा पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूंगा। थैंक यू दी, आप एंजल हो, थैंक यू सो मच खुद से मिलवाने के लिए और ये याद करवाने के लिए कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। और जस्ट मैंने जब खुद को मैनिफेस्ट कर लिया तो मेरा रिश्ता भी मैनिफेस्ट हो गया, और मेरे हील होते ही मेरे पार्टनर भी हील हो गए। दी जब बात हुई ना तो उनका नेचर टोटली चेंज था और वो बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आगे से खुद पे बहुत ध्यान रखूंगा और बोलते टाइम भी ध्यान रखूंगा कि तुम्हें हर्ट ना कर पाऊं। सो थैंक यू सो मच दी, इट्स रियली अ मेकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दी, लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे मुझसे ही मिलवा दिया, थैंक यू सो मच। सो हाँ, जब हम सेल्फ लव में होते हैं, सेल्फ हीलिंग में होते हैं, तो मिरेकल्स होते हैं। सो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले ना आप खुद से मिलो, अपनी पावर को पहचानो, फिर आप ना आगे अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना। प्लीज़ एंड सॉरी, मेरी ना वॉइस ख़राब हो रही है,
सो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना. सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल सपोर्ट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.